त्रिवेणी के तट पर लगे देश के सबसे बड़े माघ मेले में कई साधु संत अपने खास गेट अप और अनोखे शिविर की वजह से श्रद्धालुओं को और आकर्षित कर रहे हैं। वहीं इन दिनों मेला क्षेत्र में सबसे ज्यादा चर्चा अमेठी से आए शिव योगी मौनी बाबा की हो रही है। मौनी बाबा के अनोखे शिविर में रोजाना भक्तों का हुजूम अमड़ रहा है, जहां रोजाना शाम 6 बजे एक अद्भुत तपस्या भी करते हैं। बता दें कि अपने अलग गेटअप की वजह से शिव योगी मौनी महाराज को रुद्राक्ष वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। मौनी बाबा अमेठी जिले के रहने वाले हैं और परमहंस आश्रम के महंत भी हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को रुद्राक्ष वाले बाबा यानी मौनी बाबा अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। बाबा के शिविर में एक बड़ी सी शिवलिंग भी है जिसको रुद्राक्ष से ढका गया है। बाबा का ये शिवलिंग और मौनी बाबा का ये खास गेटअप लोगों को शिविर की तरफ आकर्षित कर रहा है। जो सत्य है वो सत्यता मतलब सामने है आपके, आप भी देख रहे हैं। और ये कोई ये नहीं कि अंदर जाके कुछ और, ये और तो और 40 साल हो गए महाराज ने अन्न नहीं ग्रहण किया है और सारा दिन एक पानी पीते हैं और शाम के समय नमक और चीनी नहीं लेते हैं, 40 साल हो गए हैं। और महाराज शाम के समय केवल सब्जियां उबाल के, कोई तेल घी नहीं है, उसी का सेवन करते। लेकिन ये तप का शरीर आप देख ही रहे हैं, महाराज की तपस्या का शरीर है। जो भी तप करता है संसार में उसको किसी चीज की जरूरत नहीं रहती है। मेरा नाम लक्ष्मी प्रिया है। मौनी बाबा अपने शरीर पर 11,000 से ज्यादा रुद्राक्ष को धारण कर रखा है। रुद्राक्ष वाले बाबा के सिर, पांव, हाथ, कमर, गले पर रुद्राक्ष ही नजर आता है और पूरे शरीर पर एक रुद्राक्ष की तकरीबन 11,000 से अधिक मालाएं हैं। अधिकतर रुद्राक्ष माला कई मुखी वाली है। बता दें कि मौनी बाबा पिछले 33 सालों से लगातार इस मेले में आ रहे हैं और देश में सुख शांति के लिए हवन पूजन करते हैं। इसका मकसद क्या है और किस तरीके से पूजा पाठ चलती है? देहो देवालया प्रोक्ता सजीवा केवला शिवा, साक्षात भगवान की कृपा और अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, आतंकवाद विनाश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, ज्ञान वृद्धि के लिए, शत्रुओं से देश की रक्षा हो, इसके लिए यहाँ विशेष प्रकार के त्रिशूल काले, पीले, श्वेत और लाल रंग के स्थापित किए गए हैं। रुद्राक्ष की 5.25 लाख रुद्राक्षों से बनी हुई भगवान महाकाल की दिव्य ज्योतिर्लिंग जमीन के 5 फीट नीचे है, शेष भाग ऊपर है। इस लिंग की पूजा करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। राष्ट्र रक्षा के लिए, हर प्राणी के कल्याण के लिए संकल्पित अनुष्ठानों का संकल्प है। 11.25 लाख मंत्रों का जप और 5.25 लाख आहुति, 1,51,000 दीपों का प्रज्वलन, नित्य परिक्रमा और 5 बार यहाँ से लेट के संगम तक परिक्रमा करने का जो संकल्प चला आ रहा है उसी क्रम में अनुष्ठान चल रहे हैं। देखिए रुद्राक्ष शिवपुराण में 1 मुख से लेकर 26 मुख तक रुद्राक्षों का पाला दुर्लभ है। ये रुद्राक्ष की मालाएं जो है ये धारण करने के लिए इसकी विधि है। रौंग योंग फट एक मंत्र है, 1.25 लाख मंत्रों से उसे सिद्ध किया जाए। लेकिन रुद्राक्ष प्रसाद में प्राप्त होना चाहिए। खरीदा हुआ रुद्राक्ष, खरीदी हुई मूर्ति, खरीदा हुआ ग्रंथ और खरीदा हुआ माला पहनने से कभी भी सिद्धियां प्राप्त नहीं होती हैं। हमें जो रुद्राक्ष प्राप्त है, आज के लगभग 35 साल पहले जब मैं नेपाल में भू समाधि 40 दिन के लिया था, उसमें महाराज वीरेंद्र विक्रम शाह जी ने, उनकी पत्नी राजश्री लक्ष्मी ने मुझे चंद्रमा और रुद्राक्ष का मुकुट भेंट करके सम्मान किया था। तमाम संतों ने भी मुझे रुद्राक्ष दिया है जिससे मैं पूजा के समय धारण करता हूँ। संगम के तट पर देश दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला चल रहा है और हम मौजूद हैं मौनी बाबा के एक अनोखे पंडाल में, या फिर कहें कि इनके शिविर में। आप देख सकते हैं हमारे ठीक सामने यहाँ पर मौनी बाबा हैं जो एक अनोखी पूजा में लीन है और हर शाम ये लेट करके इसी तरह परिक्रमा जो है वो करते हैं। आप देख सकते हैं कि मौनी बाबा हैं जो पिछले कई सालों से संगम तट पर आते हैं और कई तरीके की पूजा ये यहाँ करते हैं। आप देख सकते हैं ठीक हमारे सामने यहाँ पर आपको शिवलिंग दिख रहा होगा, रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा हैं। और अगर हम इस शिवलिंग की बात करें तो बताया जाता है कि तकरीबन 2.5 लाख से भी ज़्यादा जो रुद्राक्ष हैं वो इस शिवलिंग को ढके हुए हैं। अगर हम पीछे के त्रिशूल की बात करें तो आपको अलग अलग रंग के जो त्रिशूल हैं वो दिख रहे होंगे, पीले रंग के, सफ़ेद रंग के, काले रंग के। ये इसलिए लगाए गए हैं ताकि देश में शांति रहे, सुख शांति से पूरा देश के काम हो, किसी तरह की समस्या जो है या आपदा जो है वो देश में ना आए, साथ ही साथ महंगाई भी कंट्रोल में रहे, इसके लिए ये त्रिशूल जो है वो लगाए गए हैं। और आप इधर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे और इस अनोखी जो पूजा है उसको देखने के लिए हर शाम यहाँ पर वो आते हैं।
और इसी तरह मौनी बाबा जो हैं अपनी पूजा को यहाँ पर करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये दृश्य जो है आपको कुंभ मेले में, माघ मेले में दिखाई देगा। और ये इनका जो पूरा शिविर है, अगर इस पूरे शिविर की बात करें तो बताया जा रहा है कि तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा जो रुद्राक्ष की जो मालाएं हैं वो यहाँ पर लगाई गई है। साथ ही साथ दिए जो हैं 1.5 लाख से ज़्यादा जो दिए हैं उसका दीपदान पूरे माघ मेले में होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक अनोखा दृश्य जो है वो माघ मेले के संगम तट पर देखने को मिला है। बड़ो जर्नलिस्ट संघ उपाध्याय के साथ सैयद अखरुद्दीन, पंजाब के SRI TV प्रयागराज।